का मेहर कौन ले, खुद औरत, वालिद, शौहर, और क्या औरत इन्हीं की मर्जी, मतलब औरत अपनी मर्जी से शौहर से मेहर कुछ भी मांग सकती है। किसी ने एक सवाल किया मेहर के ताल्लुक से, तो याद रखिए मेहर जो औरत का होगा, इंसान उमूमन याद रखिए करना तो ये चाहिए कि निकाह तय हो जाए तो मेहर दे दीजिए आप शादी से पहले, पहले देना चाहिए इसको, शादी से पहले, निकाह होने से पहले देना चाहिए मेहर, ये सुन्नत है। आप देंगे और फिर उसके बाद निकाह पढ़ा जाएंगे, क्योंकि रसूल ने साहबी से क्या किया, कुछ लेकर आ तो निकाह कराता हूं तेरा, मेहर ला पहले, फिर वो अंगूठी के लिए फिर गए, पहले होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मुअज्जल और मवज्जल, थोड़ा शरीयत ने जहां मौका दिया तो चिंगम जैसा खींच देते बुरा, थोड़े देर की ताखिर के बाद बैंक से ला लूंगा, अभी निकाह कर दो मेरा, जल्दी बैंक से ला के दे दूंगा, ठीक है, घर से लाऊंगा, लॉकर से लाऊंगा, वो सब छोड़कर मौका शरीयत ने दिया कि भाई थोड़ा सा उधार रख सकते हैं आप, तो उसको जो खींचे खींचे तो मौत तक उधार रह गया हो, ठीक है, तो दुरुस्त नहीं। अब किसको दें, तो उसके वली को दिया जाएगा, लड़की को कैसा देंगे, अभी तो निकाह नहीं हुआ ना उसका उससे, तो उसके वली को लड़का या उसके घर वाले आके देंगे कि भाई आपकी बच्ची के लिए जो भी वली होगा ये मेहर रहा, और वो ले जाकर उस लड़की को देगा। मेहर लड़की की मिल्कियत है। अब बहुत सी बार लड़के मेहर देते और मेहर देने के बाद क्या करते, मेहर क्या किया तुमने, क्या किया, कहां डाले तुमने, अभी देखेगा तुमने बढ़ जा तुमको इतना था, ठीक। एक तो पहले तो शो के अंदर बड़े बड़े मेहर बांधते, 21,000, 51,000, क्या को बांध रहा है वैसे छोटे मोटे मेहर शान शौकत के लिए, उतना मानिए जितना मैं क्या दे सकता हूँ आज अभी इस हालत में, और उसको भी कहां खर्च किए, तो मेहर मिल्कियत है लड़की की, याद रखी, ठीक है, वो उसी की मिल्कियत है। अब उन्होंने कहा क्या लड़की कितना भी मेहर मांग सकती है, लड़की को हक है मेहर मांगने का, लेकिन मैं इस बात की जरूर वो करूंगा आपको वजहत कि आप ऐसा मेहर ना मांगे कि लोग फिर आपको रिश्ते ही ना भेजें। यही वजह है कि हम देखते हैं अरब ममालिक के अंदर निकाह बहुत कम होते हैं, बल्कि लोग बूढ़े हो जाते हैं तो भी निकाह नहीं होते हैं, इसलिए कि बोलते मेहर का पैसा जमा नहीं हुआ। औरतें फरमाइश करती 2 लाख रियाल मेहर, कहां से लाएंगे 2 लाख रियाल, 2 लाख रुपये भी बहुत बड़ी कीमत है, रियाल और महंगा होता है, 1.5 लाख रियाल मेहर इससे कम नहीं लेते, तो वो काम करते रहता है करते रहता है, अखराजात ही बहुत होते हैं और वो कभी नहीं कर पाता शादी के लिए पैसा जमा, ठीक है, ऐसे मसाइल होते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि हाँ मेहर आपका हक है, आप बोल सकते हैं, तो इतना बोले कि उस पर भी जुल्म ना हो, वो भी दे सके, और एक दीनदार खातून जाहिर सी बात है उसके लड़के की दीनदारी के एतबार से ये सोचेंगी कि भाई रसूल फरमाते सबसे बेहतर निकाह वो है जो रख मेहर की रकम से हल्का फुल्का हो, मतलब दूल्हे पर उस निकाह करने वाले पर आसान हो, ये नहीं कि हल्का फुल्का तो 30-40 रुपये दे देंगे आप, दूल्हे के जेब पर भारी ना पड़े उसकी तनख्वाह पर आसानी से अदा कर सके, तो आप मेहर पहले दे दीजिए, ये आपका हक है। हाँ औरत चाहे तो डिमांड कर सकती है कि भाई हमें को 11,000 नहीं 15,000 बांध दिया, कोई मसला नहीं कर सकते, लेकिन शौहर को हक नहीं है कि 15 क्यों मांगे थे तुमने, मैं 11 बोल रहा था ना, अब तुम बताता हूँ 4,000 ज्यादा मांगे थे, नहीं नहीं ये नहीं, उसका हक है दे दीजिए, पूछिए मत उससे। हाँ वो अलग बात है कि बीवी बाद में कहे कि मेहर आपने दिया था, चाहे तो आप ले लीजिए लेना है तो, लेकिन अगर वो खर्च करना चाहे खर्च कर दे, उसका वालिद शादी में भी लगा दे तो उसकी मिल्कियत है, उसको हक है वो जो चाहे उसको करे। जी सलाम।